मुजफ्फरनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चेकिंग के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़े तीन तस्करों से मिली 20 किलो 500 ग्राम अवैध चरस, जिसकी बाजार में कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी देहात नेपाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जनपद मुजफ्फरनगर में एसएसपी अभिषेक यादव द्वारा जीरो ड्रग्स अभियान चलाया हुआ है, जिसमें बुढ़ाना पुलिस ने सफीपुर रोड पर चेकिंग अभियान चलाया हुआ था, जिसमें पुलिस ने संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहे तीनों युवकों जहीर मियां पुत्र सत्तार मियां, साजन पुत्र सुरेश शर्मा निवासी गांव मिलपरसा थाना बरथर जिला बेतिया बिहार, इस्लाम पुत्र मकसूद निवासी मोहल्ला सफीपुर पट्टी कस्बा थाना बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर को चेक किया तो उनके पास से 20 किलो 500 ग्राम अवैध चरस पकड़ी गई, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 7 से 8 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए सभी तस्करों से पूछताछ की जा रही है, कहां से लाते थे और कहां सप्लाई करते थे, सभी का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, वहीं पुलिस टीम को भी सराहनीय कार्य किए जाने पर पुरस्कृत किया जाएगा। सभी पत्रकार बंधु सादर अवगत होंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में एसएसपी सर के निर्देशन में जीरो ड्रग अभियान और सक्रिय संदिग्ध व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान प्रचलित है। उसके अकॉर्डिंगली जगह हर जगह पर बदल बदल करके जनरल चेकिंग की जा रही है। आज बुढ़ाना पुलिस सभी रोड पर चेकिंग कर रही थी, चेकिंग के दौरान तीन व्यक्ति संदिग्ध दिखाई दिए। उनकी जब उनको अभिनंदन करके उनसे बातें की गई, उनके पास से 20 किलो 400-500 ग्राम चरस बरामद हुआ, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 7-8 लाख रुपया है। सर कहाँ कहाँ से ये लाते थे और कहाँ कहाँ ये सप्लाई करते थे? ये कहाँ से लाते थे, स्रोत क्या है, कहाँ से बेचते थे, इनका अपराधिक इतिहास क्या है, कहाँ का इनको मुकदमे, इसकी जानकारी हम कर रहे हैं, विस्तार से जानकारी दी जा रही है। सर फिर भी कितने राज्यों में सप्लाई करते थे? अब जानकारी कर रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी होने के बाद तो आप बताएंगे और मुकदमे लिखा गया है, कार्रवाई की जा रही है। ताज़ा और तेज खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, साथ ही लाइक और शेयर भी करें।